सवाल पूछा बड़े दर्द दिल से पूछा उसने कहा जी उलझाओ सा पैदा हो गया हो है हालात बड़े अजीब हो गए हैं इस तरह लग रहा है कि जिस तरह ना कोई मेला सा लगा हुआ है और कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही तो बताएं किस आलिम की बात सुने किसके पीछे चलें तो मैं दो बातें सिर्फ आपको अर्ज करता हूं आज इस खूबसूरत जगह पे और ख़ालस अल्लाह के रज़ा के लिए अर्ज़ करता हूँ और कई दफ़ा अपनी नीयत को हाजिर करके ठीक करके रज़ लाही के लिए अर्ज़ करता हूँ उस आलिम की बात सुने जो सही सहीदा हो न खारजी हो ना राफजी हो सही सहीकीदा हो और इस्लाम का जो ख़ूबसूरत एक विज़न है उम्मत वस्त होने का वो वाले नज़रियात रखता हो जो उम्मत मुसलिमा के नज़रियात चले आ रहे हैं एक तो इसकी पूरी पाबंदी हो उस शख्स की बात सुने और दूसरी बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता ये भी मैंने अपनी तरफ से नहीं की अजीन अमन वामिलुसाल हाथ ईमान लाए और नेक अमाल करें एक तो अकीदा मजबूत हो जिस आदमी का मजबूत अकीदा उसकी बात सुने और दूसरी बात मैं आपको अहियाम में इमाम गज़ाली ने एक हदीस लिखी है मैं आपको वो हदीस ही सुना देता हूँ नबी पाक सलाम ने फ़रमाया हर आलिम के पास ना बैठना उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें पांच चीज़ों से निकाल के पांच चीज़ों में दाखिल कर दे यार अल्लाह सल्लल्लाहु अल्लाह तसल्म कौन कौन सी तो हज़ूर ने फरमाया उस आलिम के पास बैठना जो तुम्हें शक से निकाल के यकीन की तरफ़ ले आए जिसके पास बैठो तो ईमान मजबूत हो तो्क्ल मजबूत हो अल्लाह रसूल की ज़ात पर भरोसा मजबूत हो हज़ूर की गुलामी मज़बूत हो सिहाबा और अहल बैत का इश्क मजबूत जिनके पास बैठ कर तुम्हें यकीन कामिल की दौलत मिले उस आलिम के पास बैठना और फरमाया दूसरा वो तुम्हें रयाकारी से निकाल के इखलास के ज़ुमरे में ले आए और तीसरा नबी पाक अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो तुम्हारे दिलों से दुनिया की ख्वाश निकाल के और तुम्हारे दिल में तुम्हारे रब जो तुम्हें आखरत में चीज़ें देने वाला है उसकी मुहबत तुम्हारे दिलों में पैदा करते तुम्हें निकाल दे यानी वही है तेरे जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से बेजार करे हाजिर मौजूद से बेजार करे और मौत की शक्ल में दिखला के तुझे जलवा यार जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे और चौथे नंबर पे नबी पाक सलाम ने फरमाया उस शख़्स के उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें तकब्बर से निकाल के आजजी की तरफ़ ले जाए और पाँचवा अल्लाह के महबूब आलख सला सलाम ने फरमाया उस आलिम के पास बैठो जो तुम्हें दुश्मनी से निकाले और ख़ैर खाई की तरफ़ ले जाए जिसके पास बैठने से अदावतें ना बढ़ें बल्कि तुम्हारे दिल में खैरखाई का जज्बा ये पाँच चीज़ें खुद रसूल करीम ने बयान फरमाईं